हेलो क्लास सेवन, दिस इज़ योर मैथ्स क्लास एंड टुडे विल स्टडी चैप्टर नंबर फर्स्ट इंटीजर्स। सो हेयर इज़ योर चैप्टर इंटीजर्स। स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेसिक टर्म्स हैं जो मैं आपको पहले बताऊंगी, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इंटीजर्स होता क्या है। इंटीजर्स आपके जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सभी आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। अब इंटीजर्स में आपके नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, ज़ीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। यहाँ पे आप देखिए, आपको एक इंटीजर नंबर लाइन शो हो रहा है जिसमें आप देख सकते हो कि आपके लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव इंटीजर्स हैं एंड राइट हैंड साइड पॉजिटिव इंटीजर्स है, राइट। तो जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो सब आपके ज़ीरो से स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, एंड पॉजिटिव इंटीजर्स से भी छोटे होते हैं। इसी तरीके से जितने भी आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो आपके ज़ीरो एंड नेगेटिव इंटीजर सबसे बड़े होते हैं। एंड जो ज़ीरो इंटीजर है बच्चों, वो ज़ीरो आपका ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। यहाँ पे कुछ रूल्स हैं इंटीजर्स के जो आपको पता होने चाहिए। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो क्या रूल है वो आप देखिए। अब अगर सेम साइन के दो इंटीजर्स हैं, जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हो, सेम साइन एक कॉलम है जिसमें आप देख रहे होंगे ऐड एंड टेक द साइन। अगर सेम साइन है दोनों इंटीजर्स के, जैसे इसमें गिवन है -3 एंड -4, राइट, तो दोनों के सेम साइन है। अब जब आप इनको ऐड करोगे तो आपका 4 एंड 3 को आप ऐड करते हो 7 आता है, राइट। अब साइन किस चीज़ का है, आपका नेगेटिव है, तो आपका आप इन्हें ऐड तो करोगे लेकिन साइन किस चीज़ का लगाओगे, माइनस का। इसी तरीके से अगर पॉजिटिव है 3 प्लस 7, अगर पॉजिटिव साइन है दोनों का, तो आपका सिंपली आंसर प्लस में हो जाएगा, 7 आ जाएगा। अब डिफरेंट साइनों, जैसे पहले तो आपने देखा था सेम साइन थे, नेगेटिव नेगेटिव एंड नेक्स्ट में पॉजिटिव पॉजिटिव, बट अगर डिफरेंट हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तब क्या होता है। एग्जांपल देखो, जैसे कि एक इंटीजर है आपका -5 और सेकंड इंटीजर है आपका 9, राइट। तो स्टूडेंट्स, जहाँ पे भी नेगेटिव और पॉजिटिव यानी कि अपोजिट साइन के इंटीजर होते हैं तो वहाँ पर आपका माइनस हो जाता है। ओके, जैसे कि -5 था, यहाँ पर +9 था। अब 9 में से आप -5 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4। इसी तरीके से नीचे देखिए, दूसरे एग्जांपल -13 है, +8 है, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस होता है, ओके, तो अब 13 में से आप 8 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 5। लेकिन अब आप ये चीज़ देखेंगे कि 5 के आगे माइनस क्यों लगाया है। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि आपकी जो बड़ी वैल्यू है वो 13 है, राइट। 8 13 से बड़ा है और 13 के सामने साइन कैसा है, नेगेटिव। इसीलिए जो भी बड़ी वैल्यू के सामने साइन होता है वही साइन हमारा आंसर में लगता है, इसीलिए यहाँ पर आपका ये -5 हो गया। नाउ कम टू द सब्ट्रैक्ट, चेंज टू ऐड द अपोजिट। ओके, अब सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, एग्जांपल देखिए, जैसे कि -3 है आपका एक इंटीजर, ओके, अब आपको माइनस करना है और दूसरा इंटीजर आपका पॉजिटिव है जो कि +4 का है, राइट। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, एंड आपका 4 पॉजिटिव है, राइट। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव यानी कि माइनस प्लस आपका माइनस हो जाता है, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस हो जाता है, इट मीन्स आपका -4 हो गया यहाँ पर ये। अब -4 एंड -3 क्या आएगा आपका आंसर, -7। ओके, अब राइट हैंड साइड में आप देखिए, -3 है, ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, बट आपका 4 माइनस का है, राइट। साइन कैसा है, 4 माइनस का। सेम चीज़, प्लस माइनस माइनस हो जाती है, इट मीन्स आपका 4 भी यहाँ पर भी माइनस का हो गया। अब -4 -3 -7 तो हो गए ना, ये दोनों इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल। सेम चीज़ आपके नेक्स्ट जो माइनस नेक्स्ट एग्जांपल बताया गया है, इसमें देखिए -5 है, ओके, अब माइनस करना है आपको -9 से। अब देखिए ऊपर क्या था, माइनस प्लस था, तो माइनस प्लस आपका माइनस हो गया था, बट नीचे वाले एग्जांपल में माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस बच्चों
पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो माइनस नाइन है यहाँ पर ही आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से राइट हैंड साइड देखिए माइनस फाइव है एंड नाइन आपका तो ऑलरेडी पॉजिटिव है और आपको ऐड भी करना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, नाइन में से फाइव माइनस कर दोगे, आंसर आपको फोर मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर जहाँ पर आपका नेगेटिव नेगेटिव था यहाँ पर आपका पॉजिटिव हो जा रहा था, तो नाइन पॉजिटिव बन जाता और माइनस फाइव करते तो फोर आंसर आता। अब कम टू द नेक्स्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगर आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, अगर सेम साइन है लाइक माइनस टू है एंड माइनस टू से आपको मल्टीप्लाई करना है, अगर सेम साइन है तो आपका जो साइन हो जाता है वो पॉजिटिव आंसर देता है। लेकिन अगर डिफरेंट साइन होता है यानी कि एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है तब आप उन वैल्यूज़ को डिवाइड करते हो, तो अगर डिफरेंट साइन होता है तो आपको नेगेटिव में आंसर मिलते हैं। ओके, सो ये आपकी कुछ बेसिक टर्म्स थी जिनको आपको पता होना ज़रूरी था। नाउ कम टू द एक्सरसाइज स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके एक्सरसाइज वन ए गिवन है आपको। अब क्वेश्चन नंबर ए आपको गिवन है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स। द एडिटिव इनवर्स ऑफ थ्री इज व्हाट। अब इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, लाइक इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट। तो अगर आपको थ्री गिवन है तो थ्री का अपोजिट आपका नेगेटिव में चला जाता है वो चीज़, राइट। अगर यहाँ पर नेगेटिव गिवन होती तो वो आपकी पॉजिटिव बन जाती। इनवर्स मीन्स अगर आपकी कोई वैल्यू नेगेटिव में है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी और अगर पॉजिटिव पे गिवन है तो वो नेगेटिव हो जाएगी। अब यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको थ्री का एडिटिव इनवर्स पूछा है, तो थ्री आपका पॉजिटिव साइन का है। अब थ्री का एडिटिव इनवर्स आप करोगे तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी माइनस थ्री। ओके, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर टू, अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हूज सम इज माइनस सेवन इज व्हाट। अब स्टूडेंट्स इसमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको इनका सम निकालना है और फिर चेक करना है जिसका भी आंसर माइनस सेवन है वो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। अब देखो जैसे ए ऑप्शन है फाइव एंड माइनस टू, अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करके अच्छे से बताया, अगर आप फाइव प्लस माइनस टू ऐड करते हो तो अब आप देखोगे कि आपका प्लस और माइनस बनकर क्या हो जाएगा, माइनस टू, माइनस का साइन आ जाएगा। अब फाइव में से माइनस टू करेंगे तो आंसर क्या आएगा, थ्री, माइनस सेवन तो आया नहीं, यानी कि ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। इसी तरीके से बी ऑप्शन चेक करेंगे, आपको फोर प्लस माइनस थ्री किया, सेम चीज़ प्लस माइनस माइनस हो गई, फोर में से थ्री माइनस किया वन आया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया आपका। नाउ कम टू द सी ऑप्शन, माइनस नाइन है प्लस माइनस टू, अब माइनस प्लस माइनस हो गया अगेन, नीचे देखेंगे आप नाइन माइनस नाइन माइनस टू हो गया, राइट, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बन गया। अब नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, प्लस होता है ना, तो इसी तरीके से नाइन एंड टू को प्लस किया तो क्या आया आपका आंसर, इलेवन आया। तो ये आंसर भी आपका बिल्कुल गलत है, ये भी मैच नहीं किया। अब डी पार्ट देखेंगे आप, माइनस नाइन प्लस टू, अब नाइन में से माइनस नाइन में से आपने प्लस टू माइनस किया तो आपका आंसर आया सेवन, और क्योंकि बड़ी वैल्यू जो कि आपकी नाइन है वो नेगेटिव की है इसीलिए आपका आंसर भी किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, माइनस सेवन में। इट मीन्स आपका ये माइनस सेवन जो आंसर आया ये आपका मैच कर गया आपके क्वेश्चन से, राइट। सो डी इज़ योर करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द थ्री, द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर इज़ ऑप्शन ए ज़ीरो। इंटीजर्स की जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो हमेशा ज़ीरो होती है स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट बी पार्ट, सॉल्व द फॉलोइंग। अब इस क्वेश्चन में आपको सम फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है माइनस फिफ्टीन एंड एट, तो जब आप इसका सम निकालोगे तो कैसे निकालोगे, सी बी पार्ट फर्स्ट का ए क्वेश्चन देखिए, माइनस फिफ्टीन प्लस एट किया आपने क्योंकि सम निकालना था तो प्लस एट। अब आपको पता है बच्चों कि माइनस एंड पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, राइट, तो इसीलिए आप माइनस फिफ्टीन प्लस एट जब सॉल्व करेंगे इसे तो ये आपकी वैल्यू माइनस होगी, यानी कि फिफ्टीन में से एट आप माइनस करेंगे। अब फिफ्टीन में से एट आप जब माइनस करते हो तो आपका आंसर आएगा सेवन,
और सेवन ने अपने साथ नेगेटिव साइन इसलिए लिया क्योंकि आपका जो 15 है वो ग्रेटर है 8 से, बड़ी वैल्यू है, और वो आपका किस साइन में है, नेगेटिव साइन में है, सो आपका आंसर भी नेगेटिव में आएगा, राइट। अब नाउ कम टू द बी पार्ट। आपको बी में पूछा था 16 को ऐड करना है आपको -9 से, ओके। अब आप एक चीज़ देखिए, 16 ओके पॉजिटिव है। अब आप देखिए पॉजिटिव तो आप प्लस का साइन क्यों इसलिए है क्योंकि आपको इनको ऐड करना है, लेकिन इंटीजर आपको कैसा मिल गया यहाँ पर -9। अब आपको पता है जहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव बनाते हैं, तो इसीलिए आपने जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर 9 आपका नेगेटिव हो गया। अब 16 में से 9 को माइनस करते हैं आप तो आपका आंसर आएगा 7। सेम प्रोसेस है, सेम तरीके से आपको बाकी कोई क्वेश्चंस भी करने हैं। ए एंड बी पार्ट यहाँ पर मैंने जैसे आपको समझा दिया, सी पार्ट भी ऐसे ही होगा, डी पार्ट भी ऐसे होगा। नाउ कम टू द ई पार्ट। अब ई पार्ट में आपको गिवन था 351 प्लस ब्रैकेट्स में है आपके -203 ब्रैकेट क्लोज। अब सेम चीज़ जैसे आपने बी पार्ट में देखी, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो गया, राइट। अब 351 में से डायरेक्ट आप 203 माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 48। सिमिलरली पार्ट एफ, अब आप देखिए -772 नंबर आपको दिया हुआ है इंटीजर एक +5001। अब आपका ये -772 +5001 जब आपने इसे सॉल्व किया, अब बड़ी वैल्यू तो पॉजिटिव में ही है ना, तो बड़ी वैल्यू में से जब आपने छोटी वैल्यू माइनस की तो आपका आंसर आ गया 4229। एंड पॉजिटिव में ये इसीलिए क्योंकि आपकी बड़ी वैल्यू पॉजिटिव की है। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, फाइंड द एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स मैंने अभी आपको जैसे पहले ही बताया था, इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स यानी कि अपोजिट साइन। अब जैसे ए पार्ट है, ए पार्ट में आपको -38 बोला हुआ है, अब इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, 38 होगा। सिमिलरली बी में 652 है, पॉजिटिव है, तो अब इसका एडिटिव इन्वर्स होगा -652। सी पार्ट जीरो का बिल्कुल ज़ीरो ही रहेगा, नो चेंज। डी पार्ट में -1002 है, तो क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस का अपोजिट पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1002 आंसर आ जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड ऑल्सो स्टेट द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। अब आप इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको इनकी प्रॉपर्टीज बतानी है, और सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। तो आप एक बार ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर -13 +27 है प्लस -41 है, राइट, इज इक्वल टू -13 +27 है। नाउ ब्लैंक में क्या आएगा, -41 ही आएगा। अब इसमें प्रॉपर्टी क्या लगी है, इसमें प्रॉपर्टी जो लगी है वो है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सी ए पार्ट है ना आपका, तो ए में जो आपकी प्रॉपर्टी है वो आपकी लगी है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और ये आपकी प्रॉपर्टी कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस है, जैसे कि बी पार्ट है आपका, बी पार्ट में है अब 53 है आपका ए प्लस 37 है आपका बी, इसी तरीके से 37 क्या हो गया अब आपका बी, एंड अब यहाँ पर क्या आ जाएगा ए, यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ओके। सो बी पार्ट में जो आपकी प्रॉपर्टी लगी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। अब जैसे कि यहाँ पर -36 है प्लस, अब लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड आप देखोगे तो आंसर आपका -36 आ रहा है। अब आपको आंसर -36 ही लाना है, तो आप -36 में क्या ऐड करोगे, ज़ीरो ऐड करोगे, राइट। तो जो आपने जब -36 में ज़ीरो ऐड किया तो आपका आंसर क्या मिला, आपको -36 ही मिलेगा। तो यहाँ पर आपकी जो प्रॉपर्टी लगी है वो है सी ऑप्शन, देखिए ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए, राइट, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरीके से आपका डी,
ई एंड एफ पार्ट आप निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -15। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, आपको कोई टू इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनको आप प्लस करो तो आपका आंसर क्या है, -15 आए। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, फोर्थ। आप क्वेश्चन क्या था कि टू इंटीजर्स ऐसे लेने कि आपका आंसर -15 आए। तो टू इंटीजर्स हमने यहाँ पर क्या ले लिए, -8 -7। अब -8 एंड -7 क्योंकि नेगेटिव, हमें इसको पॉजिटिव बनाना है ना, सम करेंगे जब हम इसे। देखो अगर -8 आपने एक इंटीजर लिया है, सेकंड इंटीजर लिया है आपने -7 का, ठीक है, तो आपका ये कैसे होगा, -8 प्लस ब्रैकेट -7 ब्रैकेट क्लोज। अब आपको पता है कि माइनस एंड प्लस आपका माइनस हो जाता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट माइनस लिख दिया है। तो -8 -7 माइनस माइनस प्लस, इसीलिए यहाँ पर आपने जब इसको प्लस किया तो 15 आंसर आया, एंड आंसर किस में आया आपका, नेगेटिव के। अब बी को, बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में आपसे पूछा था सम इज़ 0, यानी कि 0 आना चाहिए अब आपका सम। तो आप ऐसे कौन से दो इंटीजर लोगे, एक नेगेटिव ले लो पॉजिटिव ले लो, आंसर 0 आ जाएगा। सो यहाँ पर हमने क्या इंटीजर ले लिया, -2 +2, तो -2 से +2 कैंसिल हो गया, 0 आंसर आ गया। एंड नाउ कम टू द सी पार्ट, सम गिव्स एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स, यानी कि अब आपको दो ऐसे इंटीजर लेने हैं जो आप अगर जिनको सॉल्व करो और जो आंसर आए वो इन दोनों इंटीजर से जो भी आपने लिया है ज्यूम किया है उससे छोटा हो। अब ये कैसे सॉल्व होगा, देखिए हमने यहाँ पर टू इंटीजर्स लिए, एक लिया -2 एक लिया -3, ठीक है। अब आप इनको जब ऐड करते हो दोनों इंटीजर्स को, तो वही चीज़ रहेगी आपकी, जैसे कि -2 प्लस ब्रैकेट -3 ब्रैकेट क्लोज। अब माइनस एंड प्लस ये दोनों साइन आपका मिलके नेगेटिव हो गया, तो इसीलिए यहाँ पर आपका -2 एंड -3 आ गया। अब माइनस, क्योंकि -2 एंड -3 है तो माइनस माइनस पॉजिटिव होता है, प्लस हो जाता है आपका, इसीलिए यहाँ पर आंसर आया 5। लेकिन कैसा आएगा, नेगेटिव में आएगा। अब आप देखेंगे कि आपका -5 जो है वो -2 और -3 जो दो आपके इंटीजर्स हैं उनसे छोटा है। आप ये जैसे बॉक्स में मैंने दिखाया, शो करा है आपको, ये बॉक्स देखिए आप, -5 लेस देन -3 लेस देन -2। अब देखिए जहाँ पर स्टूडेंट्स पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं यहाँ, वहाँ पे क्या होता है कि अज्यूम करो 1 है, ठीक है, 1 से बड़ा 2 होगा और 2 से बड़ा 3 ही होगा, लेकिन नेगेटिव में ये उल्टा होता है। अब जहाँ पर जो चीज़ आपकी पॉजिटिव इंटीजर में 5 जैसे कि बड़ी मानी जाती है, वही नेगेटिव इंटीजर्स में, नेगेटिव में वो सबसे आपका स्मॉल हो जाता है। इसीलिए आपका ये जो 5 है वो -3 से छोटा है एंड -2 से भी छोटा है, और यहाँ पर आपका -2 सबसे बड़ा इंटीजर है -3 और -5 से भी। नाउ कम टू द नेक्स्ट डी पार्ट, सम गिव्स एन इंटीजर स्मॉलर देन वन ऑफ द इंटीजर। ओके, अब आपको ऐसे दो इंटीजर बताने हैं जो किसी एक से छोटा हो। नाउ डी पार्ट देखेंगे, हमने दो इंटीजर लिए -2 एंड 4, ठीक है। अब आप 4 में से -2 करते हो तो आंसर आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब आप देखेंगे जो आपका आंसर आया है 4 से छोटा है, ठीक है, लेकिन -2 से बड़ा है, तो आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो गया यहाँ पर कि एक इंटीजर से आपका बड़ा होना चाहिए आंसर। एक ही इंटीजर से बड़ा है ना -2 से, 4 से तो छोटा ही है, तो यहाँ पर आपकी ये स्टेटमेंट, यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई हो गई। नाउ कम टू द लास्ट,
सम गिव्स एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ दी इंटीजर्स। अब आपको दो ऐसे इंटीजर्स बताने हैं जिनका सम जो आए दोनों इंटीजर्स से बड़ा हो। सी ई पार्ट, आपने इंटीजर दिए 4 and 1। अब 4 and 1 को आपने जब ऐड किया आंसर आ गया आपका 5। अब 5 आपका 4 से भी बड़ा है और 1 से भी बड़ा है, तो दोनों से 5 क्या हो गया, दोनों इंटीजर से बड़ा हो गया। सो कंडीशन सेटिस्फाइड। सो कम टू द 5th सिंप्लीफाई। अब आपको जो ये क्वेश्चन नंबर 5th दिया हुआ है इसमें आपको इस पूरी स्टेटमेंट को, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है इसे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखेंगे सभी। क्वेश्चन था आपका ब्रैकेट -13 प्लस अनदर ब्रैकेट -27 देन ब्रैकेट क्लोज प्लस -25 इन ब्रैकेट्स प्लस -40 अगेन इन ब्रैकेट्स देन ब्रैकेट क्लोज। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, -13 आपने एज इट इज़ लिख दिया। अब आपको पता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव -27 है ना, तो आप और आगे क्या है, एडिशन, ऐड का साइन है, तो ये ऐड और नेगेटिव साइन आपका क्या बन गया, नेगेटिव साइन बन गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो इसलिए हमने इस तरीके से हमने ये जो -27 ब्रैकेट में था इसको सॉल्व कर लिया और यहाँ पर क्या आ गया, -27 आ गया। माइनस इसलिए आया क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया। अब आगे चलेंगे, अब दूसरा जो ब्रैकेट है जैसे कि -25 और जो ये वाला ब्रैकेट है -40, इसको कैसे सॉल्व किया, सेम जैसे पहले वाला क्या था, प्लस माइनस माइनस का है, इसीलिए आपको माइनस साइन आ गया और 40 ब्रैकेट आपका ओपन कर दिया हमने यहाँ पर। अब क्या हो गया, सिंपल हो गया। अब आपको इसने सिंपली सॉल्व कर देना है, -13 -27 दोनों साइन माइनस के हैं इसीलिए हम ये प्लस हो जाएगा, लेकिन आपका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो जब आपने 27 और 13 को प्लस किया 40 आ गया आंसर, बट आंसर आएगा नेगेटिव में। नाउ प्लस, अब इनको प्लस करेंगे आप -40 और -25 को, तो आपका माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो आपका 65 आएगा, लेकिन साइन आएगा नेगेटिव का। अब सी अगेन देखो, फिर से वही चीज़ आ गई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी कि प्लस साइन एंड माइनस साइन क्या बना, आपका माइनस बन गया, तो आपका ये हो गया -40 -65। अब इन दोनों को, क्योंकि दोनों साइन नेगेटिव में है, अब दोनों साइन बिकॉज नेगेटिव में है, तो आपका आंसर पॉजिटिव होगा, यानी कि प्लस में आएगा। तो जब आपने 65 एंड 40 को प्लस किया आपका आंसर आया 105, यानी कि 105, बट इन नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। सो कम टू दी 6th क्वेश्चन, वेरीफाई ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज देन प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी देन ब्रैकेट क्लोज। अब आपको जो ये कंडीशन दी हुई है यहाँ पर, इसको सेटिस्फाई करना है। कैसे सेटिस्फाई करना है, आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं, ए आपका है -9, बी है आपका -7, सी है आपका -6। तो जहाँ पर भी जो आपका ये कंडीशन आपको एक दे रखी है, जो स्टेटमेंट ऊपर दी हुई है, आपको इस प्रॉपर्टी पे ये जो आपको ए बी की वैल्यू दी हुई है ये पुट करनी है। जैसे कि आप देखेंगे सबसे पहले है ए प्लस बी, तो ए की जगह आप रखेंगे 9 -9 प्लस बी की जगह रखेंगे -7 एंड सी की जगह रखेंगे 6। सी यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, जैसे कि ये आपको गिवन था, ये प्रॉपर्टी आपको गिवन है, यहाँ पर ए बी और सी की आपको वैल्यूज़ दी थी, तो क्या करा, सिंपली इन वैल्यूज़ को इनकी जगह पर पुट कर दिया। सेकंड लाइन में देखेंगे आप, राइट, एंड जब हमने इसको सॉल्व किया तो देख सकते हो आप, जैसे कि थर्ड लाइन में देखेंगे -9 पॉजिटिव नेगेटिव आपका नेगेटिव हो गया, सो इसीलिए यहाँ पर -7 आ गया देन ब्रैकेट क्लोज प्लस 6। इसी तरीके से राइट हैंड साइड वाली वैल्यू आपने सॉल्व की ऊपर, देन अगेन हमने इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व किया -16 + 6 इज इक्वल टू -10। अब आप देखेंगे जब आप -16 + 6 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10, क्योंकि एक वैल्यू आपकी नेगेटिव है एक वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसीलिए आंसर 10 आया और नेगेटिव में ही आया क्योंकि 16 आपका नेगेटिव में है। अब
यहाँ पर ऑलरेडी आप देख रहे हो राइट हैंड साइड में, तो ऑलरेडी आपका -10 आंसर आ चुका है, यानी कि ये इक्वल हो गई, तो आपकी कंडीशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करके बता दिया है। सेम इसी तरीके से जो आपको ये सेकंड क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर, जहाँ पे वैल्यूज़ दी गई हैं ए की 42, बी -37 एंड सी -81, कुछ नहीं करना, इन वैल्यूज़ को इसी स्टेटमेंट में पुट करो, साइन का ध्यान रखना, और जैसे ए सॉल्व किया है बिल्कुल बी भी उसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। कम टू द 7, फिल द बॉक्सेस यूजिंग ग्रेटर स्मॉलर एंड इक्वल टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रूज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ नहीं करना आपको, बस इनको सॉल्व करके आपको चेक करना है कौन सा बड़ा कौन सा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, -5 + 10, अब इसको पहले सॉल्व करो, 10 में से -5 गया, कितना आया यहाँ पर, 5 आया, वो भी पॉजिटिव का आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड वाला सॉल्व करो, -5 है, ठीक है। अब प्लस एंड माइनस, माइनस हो गया यानी कि -4 हो गया, अब -4 हो गया और -5 ऑलरेडी है ही, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 5 और 4 को जब आप प्लस करोगे तो 9 आंसर आएगा, लेकिन कैसा आएगा, नेगेटिव में, -9 आएगा। तो यहाँ पर ये कोई इक्वल है, नहीं है, यहाँ पर आपका आंसर क्या आ रहा है, -9, राइट हैंड साइड आंसर आ रहा है -9 एंड लेफ्ट हैंड साइड आंसर आ रहा है 5। अब 5 और -9 में से क्या बड़ा है, 5 बड़ा है, क्योंकि पॉजिटिव साइन है ना, 9 वैसे तो बड़ा है लेकिन साइन क्या है उसका, नेगेटिव है, तो वो छोटा हो गया, यानी कि आपकी जो ए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें आपका लेफ्ट हैंड साइड इज़ ग्रेटर दैन राइट हैंड साइड। इसी तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम ऐसे आएगी नहीं। कम टू द 8th क्वेश्चन, इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -50, 20 and 10, ओके, एंड बी टीम स्कोर्ड 20, -50 and 10 इन 3 सक्सेसिव राउंड, विच टीम स्कोर्ड मोर, कैन वी एड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, दो टीम थी जिन्होंने आपको गिवन है इतना स्कोर किया है, बी टीम ने इतना स्कोर किया है, सी टीम ए स्कोर ने किया था -50 + 20 + 10, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा -20, ओके। सिमिलरली टीम बी स्कोर 20 - 50 + 10, इसको भी आपने जब सॉल्व किया सेम आंसर मिला -20, यानी कि कोई भी टीम ने किसी से भी ज़्यादा स्कोर नहीं किया है, दोनों ने इक्वली स्कोर किया है। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया था आपसे, कैन वी ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर्स, यस वी कैन डू, किसी भी ऑर्डर में ही हम इन इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं। आप 20 पहले लिख सकते हो, 10 पहले लिख सकते हो, या -50 पहले लिख सकते हो, जब आप इनको सॉल्व करोगे आंसर आपको सेम ही मिलेगा, आप ये चेक करके देख सकते हो। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, इन 3 राउंड्स ऑफ अ गेम रीना स्कोर -10, 5 and 35, फाइंड हर फाइनल स्कोर। कुछ नहीं करना, प्लस कर देना है तीनों वैल्यूज़ को। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका 9th क्वेश्चन, फाइनल स्कोर इज इक्वल टू -10 + 5 + 35। सबसे पहले 35 और 5 क्योंकि दोनों पॉजिटिव थी तो इसीलिए सॉल्व इसको पहले कर लिया, तो आपका ये क्या हो गया यहाँ पर 40। अब 40 में से -10 करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 30। सो इसी क्वेश्चन के साथ आपका ये एक्सरसाइज जो 1A था वो फिनिश हो चुका है। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत जल्द आप कराऊंगी मैं आपको, तब तक आपका होमवर्क ये है कि आप अपनी ये नोटबुक में ये एक्सरसाइज कंप्लीट रखिएगा। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।